सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे दो कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन आपको की कंपैरिजन वीडियो लेके आया गया, जिसमें बताया जाएगा जो दोनों ही स्मार्टफोन अंडर 15,000 के अंडर में आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो पहला जो स्मार्टफोन है वो Realme की तरफ से है, Realme 7i, जो फिलहाल अभी अभी लॉन्च हुआ है, जो IoT प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए तो उसके साथ साथ ये फोन देखने को मिल गया था। और दूसरा जो हमारा Redmi की तरफ से है, Redmi Note 9। ये दोनों ही स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन है ऑलमोस्ट आपको क्लोज देखने को मिल जाती है, हालांकि थोड़ी बहुत आपको ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन प्राइस है वो आपको दोनों में आपको सेम जैसी देखने को मिल जाती है। अगर आपको परचेस करना है कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन तो कौन सा परचेस करना चाहिए बजट कैटेगरी के डिवाइस में, तो यहाँ पे यही बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। दोनों की आती है पहली डिस्प्ले, तो Realme के 7i में आपको देखने को मिल जाती है 6.5 इंच की HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 10:9 का एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है, और बता दें कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, लेकिन यहाँ पे और अच्छी हो सकती है। जैसे कि फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन दे दिया होता तो बहुत ही कंप्लीट पैकेज हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपको HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आपको 90Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाते हैं, तो ये थोड़ा सा अलग सा एक्सपीरियंस हो जाता है। हालांकि HD प्लस रेजोल्यूशन में कोई भी फोन आपको, कोई भी कंपनी आपको ये रिफ्रेश रेट के साथ में आपको कोई भी ऑफर नहीं करता, तो डिस्प्ले क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे जो भी मिलता है वो भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। लेकिन Redmi के Note 9 में आपको जो मिलता है डिस्प्ले 6.53 इंच की फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक डॉट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, IPS LCD स्क्रीन है, लेकिन यहाँ पे आपको 16Hz का नॉर्मल रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 10:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है, कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, पीछे की तरफ आपको एक नॉर्मल प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है Redmi के Note 9 में, लेकिन यहाँ पे आपको फुल HD रेजोल्यूशन के मामले में यहाँ पे थोड़ा सा आगे निकल जाता है Redmi का Note 9, और जो रिजोल्यूशन के मामले में बताया जाएगा जो Realme का 7i है वो थोड़ा सा पीछे लगता है, तो यहाँ पे रिफ्रेश रेट के मामले में यहाँ पे आगे निकल जाता है यहाँ पे Realme 7i। अगर आपको रिफ्रेश रेट पसंद है तो आप Realme के 7i को ले सकते हो, लेकिन आपको रिफ्रेश रेट के कोई आपको नहीं चाहिए कंपैरिजन, कोई भी आपको अच्छी खासी नॉर्मल डिस्प्ले चाहिए तो Redmi का Note 9 आप ले सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की, जो Realme का 7i है इसमें आपको मिलता है Snapdragon 662 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक लेटेस्ट प्रोसेसर है, 11nm बेस स्टेशन पे काम करता है, Octa पावर 2.0 GHz, इसमें आपको Adreno का 610 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस में आपको नॉर्मल जो गेमिंग कर रहे हो तो मीडियम सेटिंग में आप सारे गेम यहाँ पे खेल सकते हो, मल्टीटास्किंग जैसे काम भी यहाँ पे कर सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी इस वाले प्रोसेसर में। लेकिन बात करते हैं Realme के Note 9 के चिपसेट की, बदलते हैं यहाँ भी आपको MediaTek की तरफ से वाला Helio का G85 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक यहाँ पे 12nm पे सेकंड पे काम करता है, ऑक्टागन पावर है, यहाँ भी आपको 2.0 GHz पे क्लॉक है, इसमें आपको मालिक का G52 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट आपको सेम जैसी देखने को मिल जाती है, ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता, क्योंकि जो क्लॉक स्पीड है वो भी आपको दोनों में सेम देखने को मिल जाता है, लेकिन फर्क यहाँ पे GPU में देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे जो गेमिंग है उसमें थोड़ा बहुत हीटिंग इश्यू हो सकता है Redmi के Note 9 में, तो ये बात जानेगा, लेकिन यहाँ पे आपको नॉर्मल यूजेज में कोई भी पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा हीटिंग इश्यू हो रहा है, कौन सा आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा दोनों ही स्मार्टफोन में। तो चिपसेट के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन आपको ऑलमोस्ट आपको सेम जैसा देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की, Realme के 7i में आपको दो अलग अलग वेरियंट देखने को मिल जाते हैं, जो नॉर्मल वेरियंट जो बेस वेरियंट है 4GB 3/4GB, और दूसरा आपको 4GB 128GB के साथ में दूसरा वेरियंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको LPDDR4x की आपको रैम और UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, माइक्रो सिग्नल ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, 256GB तक एक्सपेंशन ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एक्सपेंशन ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे Redmi Note 9 की बात करूँ तो यहाँ पे आपको तीन अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 4GB 64GB, 4GB 128GB और 6GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको UFS 2.1 की स्टोरेज और LPDDR4x की आपको रैम देखने को मिल जाते हैं, माइक्रो एसडी का अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है डेडिकेटेड है, तो ये बहुत अच्छी बात है।
तो यहाँ पे आपको तीन अलग अलग वेरियंट, एक और ऑप्शन यहाँ पे 6GB वाला वेरियंट देखने को मिल जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा Redmi के Note 9 में। लेकिन आपको Realme के जो 7 आए हैं इसमें आपको एक दो ही वेरियंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें दो ही वेरियंट में आपको 4GB की रैम देखने को मिल जाती है। तो रैम और स्टोरेज के मामले में यहाँ पे Redmi का Note 9 आगे निकल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा के, तो बता दें दोनों ही स्मार्टफोन में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे एक फर्क देखने को मिल जाता है। यू क्या है कि जो Realme का 7i है जो प्राइमरी लेंस है वो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें एपेचर f1.8 का एपेचर देखने को मिल जाता है, मेन कैमरा लेंस है, और दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका एपेचर f2.4 का एपेचर देखने को मिल जाता है। सिंगल रोल एलईडी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको 4K और 1080p तक की 13 और 16fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो ईएस ऑप्शन के साथ में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इस प्राइस रेंज में आपको 64 मेगापिक्सल का एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। हालांकि इस प्राइस रेंज में कोई भी कंपनी अभी तक आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को नहीं मिलता, तो ये बहुत अच्छी बात है। और बता दें अगर Redmi का Note 9 इसमें भी आपको सेम कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइमरी लेंस है वो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है। यही एक फर्क है, उसके मुकाबले बता दें कि जो बाकी जो स्पेस है वो आपको सेम जैसे देखने को मिल जाते हैं, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। ये तीन कैमरा सेटअप ऑलमोस्ट आपको दोनों में सेम देखने को मिल जाता है, प्राइमरी लेंस में फर्क देखने को मिल जाता है, दोनों में आपको रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी सेम देखने को मिल जाते हैं। फीचर्स के मामले में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो मैं बताता हूं रियर कैमरा के मामले में यहाँ पे Realme का 7i आगे निकल जाता है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो मैं यही कहूंगा कि 64 मेगापिक्सल का कैमरा आप सेटअप यहाँ पे परचेस कर सकते हो उस Realme 7i को। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की, बता दें जो Realme 7i है इसमें मिलता है 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको सोनी IMX471 का सेंसर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको बता दें f2.1 का एपिचर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा 1080p तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो ईएस ऑप्शन के साथ में। तो आपको सेल्फी कैमरा बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको Redmi के Note 9 में भी आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, पंचोल सेल्फी है, f2.0 का एपिचर देखने को मिल जाता है, और यहाँ भी आपको 1080p तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो सेल्फी कैमरा के मामले में और फीचर्स के मामले में मुझे थोड़ा बहुत बेटर लगा कि यहाँ पे Realme का 7i, क्योंकि यहाँ पे जो कैमरा सेटअप है उसमें आपको सोनी के सेंसर के साथ में आपको सेल्फी कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। तो सेल्फी कैमरा के मामले में यहाँ पे Realme का 7i आगे निकल जाता है। बात करते हैं अभी दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की, बदलने Realme 7i है इसमें आपको 5000 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है, इतना ही नहीं इसमें आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और इन द बॉक्स चार्जिंग एडाप्टर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Realme UI का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। बहुत ही अच्छी आपको बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो बैटरी सॉफ्टवेयर के मामले में कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलती इस वाले स्मार्टफोन में। लेकिन Redmi के Note 9 की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको 5020 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको 22.5 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और इन द बॉक्स चार्जिंग एडाप्टर देखने को मिल जाता है। तो चार्जिंग कैपेसिटी आपको और बेटर यहाँ पे देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू Realme 7i, तो बहुत ही अच्छा है Redmi Note 9 के चार्जिंग कैपेसिटी में। और यहाँ पे भी आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको MIUI 11 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती, फर्क यहाँ पे चार्जिंग एडाप्टर के मामले में कंपैरिजन देखने को मिल जाता है, तो इसके मुकाबले आपको Redmi Note 9 थोड़ा सा आगे निकल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, बताएं कि दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता, नॉर्मल जो सेंसर है सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, दोनों में आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे बदन जो टाइप सी का पोर्ट है और 3.5 का जैक, ट्रिपल स्लॉट, दो नैनो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड एक साथ लगा सकते हो, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.0 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में कोई भी शिकायत या कोई भी कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती इन दोनों स्मार्टफोन में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर रेंज और प्राइस की, जो Realme 7i है इसमें आपको दो अलग अलग कलर रेंज देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस की बात करें तो प्राइस बहुत ही अच्छी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जो बेस वेरियंट है 64GB वाला वेरियंट, इसकी प्राइस रखी गई है 11,999 यानी कि 12,000 फोन पड़ता है, और दूसरा जो वेरियंट है 128GB वाला वेरियंट, इसकी प्राइस रखी गई है यहाँ पे 12,999 यानी कि 13,000 फोन पड़ता है। प्राइस अच्छी है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा वेरिएंट की बात यानी कि दूसरे फोन की बात करें Redmi Note 9 की, तो बता दें यहाँ पे भी आपको जो तीन अलग अलग कलर रेंज देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस की बात करें तो प्राइस यहाँ भी ऑलमोस्ट आपको 500 रुपए कम देखने को मिल जाते हैं बेस वेरियंट से कंपेयर करते हैं। तो 4GB 64GB वाला वेरियंट है, इसकी प्राइस रखेगी 11,500 रुपए फोन पड़ता है, और
दूसरा जो वेरिएंट है 4GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 12,500 रुपए की प्राइस में फोन पड़ता है। और तीसरा जो वेरिएंट है 6GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 14,000 की प्राइस फोन पड़ता है। तो प्राइस आपको अच्छी खासी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, रेडमी के नोट 9 में अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, 500 रुपए कम प्राइस में आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 500 रुपए के डिफरेंस में आपको बता देगा जो अच्छा खासा वेरिएंट है वो रियलमी 7i में अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे कुछ मामले में कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको जो डिस्प्ले है उसमें आपको नॉर्मल HD प्लस रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको 1900 का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। बाकी बात करते हैं, इसमें आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको हीटिंग इश्यू थोड़े बहुत कम देखने को मिल सकता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। कैमरा सेटिंग की बात करूं तो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, इसकी वजह से आपको Realme 7i अच्छा परफॉर्म करता है। और यहाँ पे आपको नॉर्मल 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इस मामले में थोड़ा पीछे हो जाता है Realme का फोन, बाकी कोई फर्क नहीं है। बाकी आपको ऑलमोस्ट आपको बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे Realme 7i में देखने को मिल जाती है। इसी के लिए मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे Realme 7i आप परचेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो एक मॉडल भी आपको नया वाला देखने को मिल जाता है, Realme 7 सीरीज का आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन आपको अच्छा लगा, Realme 7i या हमारा Redmi का नोट है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।